हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस प्लांट का नाम फ्यूशिया है। इसको डांसिंग डॉल और झुमका बेल भी कहते हैं। फ्यूशिया के फ्लावर दो रंगों में आते हैं। मैं इसको अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 3-4 कलियाँ आई हैं। इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, शीट से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। कटिंग से ग्रो करने के बाद यह प्लांट जल्दी ग्रो होता है और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी करता है। यह मेरा व्हाइट और पिंक कलर का फ्लावर है। फ्यूशिया के फ्लावर हमेशा दो रंगों में ही आते हैं। इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इसके फ्लावर झुमके की तरह लटकते रहते हैं, तो यह हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। इस प्लांट को 10 इंच के बास्केट में आप ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिससे पानी उसमें रुक ना सके। सूखे हुए पत्तों को हटा देना चाहिए, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। फ्यूशिया का प्लांट एक विंटर प्लांट है, लेकिन थोड़ी सी केयर के बाद इसको समर में भी अच्छे से चलाया जा सकता है। सॉइल मिक्सचर की बात करें तो गार्डन सॉइल, गोबर की खाद और नीम खली को यूज कर सकते हैं। सूखे पत्तों की खाद भी इसमें यूज़ करनी चाहिए, जिससे ये अच्छे से ग्रो कर सके। गर्मी में, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर मई जून की गर्मी में आप इसको छांव में रख सकते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है, जो कटिंग के बाद आसानी से ग्रो किया जा सकता है। फ्यूशिया के फ्लावर खिलने के बाद 7-8 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसके फ्लावर खिल के आए हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप फ्यूशिया के प्लांट में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा इम्पेशन का फ्लावर कितना सुंदर खिला है। अब ये प्लांट पूरा खिल गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर डांसिंग डॉल की तरह यह लग रहा है। एक्चुअल फ्लावर व्हाइट कलर का है, पिंक उसका पीछे का पोर्शन है। यह दूसरा फ्लावर खिलने को तैयार हो रहा है और तीसरी कली बन रही है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फ्लावर खिल के दिख रहा है। आप अपने गार्डन में ज़रूर इस प्लांट को शामिल करिए। विंटर के टाइम पर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। गर्मी में आप इस प्लांट को मॉर्निंग की धूप में रख सकते हैं या इवनिंग की धूप में रख सकते हैं। गर्मी में इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। आप इसकी कटिंग से इससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके फ्लावर दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, पर थोड़ी सी केयर के बाद इसको अच्छे से इसकी ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट को हर 15 दिन में कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। गर्मियों में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। फ्लावरिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। 5-7 दिन तक इसके फ्लावर ऐसे ही रहते हैं। जब इसके फ्लावर पर सूख जाते हैं, तो इस सूखे हुए फ्लावर से ही इसके बीज तैयार हो जाते हैं। नीम खली प्लांट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे प्लांट्स में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना आ सके। आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर फ्लावर अभी खिल रखे हैं और तीनों ही फ्लावर अब खिलने लग गए हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही सुंदर खिलते हैं और अच्छे लगते हैं लटकते हुए इसके फ्लावर। अभी मैंने इसके पॉट को थोड़ी सी हाइट में रखा है, जिससे इसके फ्लावर अच्छे से दिख सकें। फ्यूशिया के फ्लावर तो बहुत ही एग्जॉटिक लगते हैं, पर इनकी केयर बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी सी केयर में ही इसको अच्छे से चलाया जा सकता है। अभी फ्यूशिया के फ्लावर अप्रैल तक ऐसे ही खिलते रहेंगे और इसमें नए नए फ्लावर आएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Stay happy.